सर मेरा नाम शहजादा, सर मैं मेरठ से हूँ। हाँ सर, आज सुबह हमने चालू फ़ोन से पावर आईसी निकाली और फिर उसको दोबारा निकाला, चालू फ़ोन से 4G चालू फ़ोन से निकाली और दोबारा लगाई और फ़ोन वापस चालू का चालू रहा। उसके बाद सर हमारी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी देव सर के साथ, जो 11 बजे से लेके 5:30 बजे समथिंग तक चली है। और सर उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे हमें बताया, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो सब कुछ हमें ऐसे ही मिला फ़ोन के अंदर, सारी आईसी को पहचाना जैसे जैसे होता है, किस में क्या होता है, क्या और कौन सी आईसी लगी होती है, सबका बताया सर। और उसके बाद सर हमने डाटा सीट बनाई आईसी की, एक चालू फ़ोन से आईसी निकाली और उसकी डाटा सीट बनाई और उसको फिर वहीं पे लगाया। और सर मैंने नोट 4 की निकाली थी और वो फ़ोन वापस चालू था, वापस चालू था। सर नॉलेज मिला कि नहीं मिला? मिला सर। एक दिन की क्लास में इतना सब कुछ अपना पूरा निचोड़ के दे दिया आपको, निब्बू जैसा निचोड़ के दे दिया। सर कुछ रहा ही नहीं आईसी के बारे में, सर ऐसा लगता है कि एक तरह के आपने कहा जैसे कि हलवा बन गया। तो आईसी की जो आपका सीपीयू की जो कोड होता है, तो कोड में भी बहुत सारी चीज़ें छिपी होती है, तो वो समझ में आएगी नहीं पूरा है सर कोड, तो अब खुद बना के बता सकते हैं कि ये कोड है और ये किसका लाइन है और ये किसका ट्रैक है और ये कौन सी टाइप का। 4G हैंडसेट से 4G आईसी पावर आईसी माउंट रिमाउंट करके ऑन टाइम में वो लोन हो गया। वन टाइम में कर दिया था? ऑन टाइम में। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एशिया टेलीकॉम से। नाम MD गुलाम सबर, मैं बंगाल से हूँ जी। मॉर्निंग के क्लास में हमने लाइव बोर्ड से पावर आईसी को निकाल के फिर से बढ़ाया और पूरा ओके किया, फर्स्ट टाइम में किया, पहली बार किया और लगभग 3-4 बार किया। 3-4 बार किया तो आप उस क्लास से संतुष्ट हैं आपके? यस सर, पूरा संतुष्ट है। इसके पहले ये काम कर पाते थे आप सक्सेसफुली तरीके से? पहले दरवाजे में हाथ भी नहीं दिया, कभी हाथ भी टच भी नहीं किया उसके अंदर। तो ये रेडमी का 5 है और आप इसमें क्या करने वाले हैं? सब पावर आईसी निकाल के लगाने वापस। इसका चालू फ़ोन से आप पावर आईसी निकाल के लगाने वाले हैं? तो मतलब 3 दिन के अंदर ही आपका इतना कॉन्फिडेंस अप हो गया है कि आप चालू फ़ोन से पावर आईसी निकालने वाले हैं? कौन से कौन देता है सेंटर से ना? तो 3 दिन के अंदर आप लाइव 4G फोन का पावर आईसी निकाल के लगाया और आपने इसका भी निकाल के लगाया, कैसा लग रहा है आपको? एकदम जबरदस्त गजब माहौल, कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अप हुआ सर। मैं आसाम से हूँ जी। हमारे आज सवेरे 8 बजे क्लास थी आईसी माउंट रिमाउंट की जी। पहली बार में भी आईसी लगा दिया, SMD तो पकड़ना भी नहीं आता था मेरे को, तो बहुत एक्सपीरियंस मिला है। 11 बजे हमारे देव सर की क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की और सर ने अच्छी तरह से हमको सिखाया कि कौन सा आईसी क्या होता है, कोई भी आईसी नहीं छोड़ी, जितनी भी आईसी अभी तक चल रहा है सब आईसी के बारे में जानकारी दी सर ने। मेरा नाम रजत सुबोधत्त है, पश्चिम बंगाल से जी। सर सुबह के 4G लाइव सेट को आईसी माउंट रिमाउंट तो सक्सेस हुआ आपसे? सक्सेस हुआ। तुक्के में लगा कि प्रॉपर तरीके से लगा? 3 बार किया है। 3 बार किया। पहले PCB को देखते थे तो हमें कोई जानकारी नहीं थी कौन सी, खाली CPU को भर जानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हम 70% जो ICA है कौन सी IC का क्या काम है और कौन सी IC कहाँ पे लगी और किस नाम की है, कौन से अपना CPU मॉडल के हिसाब से लगेगी, पूरी जानकारी आज हमें मिली है। और IC का डाटाबेस के हिसाब से नर्मरिक है आपका, अल्फाबेटिक है, उस हिसाब से डाटा सीट हमको पढ़ना आ गया, IC की कोडिंग समझ में आ गई, आपका बोर्नियो में किस हिसाब से हमको देखना है, कहाँ पे लेआउट से देखना है IC को, उस प्रकार की पूरी हमें जानकारी मिली है। जो आज 4G IC निकाल के सर रिवॉल्व करके फिर से लगाया और फर्स्ट टाइम हैंडसेट ऑन किया सर। कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आ गया। उसके बाद तुम्हारी दोपहर में इम्पोर्टेंट क्लास थी जी सर, IC की क्लास थी सर देव सर के साथ। तो सर मैं आज तक जानता नहीं था कि ये कौन सा IC है कौन सा नहीं। आप इस फील्ड में प्रेशर हो जी सर? बिल्कुल। SMD भी टेस्ट नहीं किया आपने? नहीं सर।
नाम बताइए अपना। मोहम्मद अफजल रजा, मैं बिहार से हूँ सर। जी बताइए क्या क्लास था? सवेरे आया और आईसी डिबोलिंग की क्लास थी, लाइव 4G हैंडसेट से निकाल के उसको फिर लगाना है और फिर ऑन किया। आपने टाइम किया काम? यस सर, पहली बार आपका वीडियो देख सकता हूँ मैं? यस सर। फोन सेट की पूरे प्रॉपर तरीके से वन टाइम में स्टार्ट होगा फोन। अच्छा, उसके बाद मोन्टी क्या किया सर? 11 बजे की सर देव सर के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, प्रॉपर तरीके से समझ आई और जिंदगी में पहली बार ऐसे सर ने समझाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ जी। और आज हमारी आईसी माउंट रिमाउंट की क्लास थी सुबह, और हमने वो आईसी पहली बार लगाई और ओके लगाई थी। आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी हमारी आज। अच्छा, तो आपको अभी पीसीबी देखने का जो नज़रिया था आपका, वो पुराना वाला है कि चेंज है? सर बहुत कुछ चेंज है आज, बहुत कुछ चेंज है सर। आज मालूम पड़ रहा है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है, कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है। और आईसी निकाल के लगा के मोबाइल चालू किया? हाँ यस, एक ही बार में लगा। एक ही बार में क्या? वन टाइम में? वन टाइम में, पहले। तो ये कोई तुक्के में लग गई? नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे सर ने बोला था वैसे। अभी वो चीज़ का डाउट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर पूरा, मतलब अभी आईसी वगैरह आइडेंटिफिकेशन वगैरह कोर क्लास हो गया। अगर आप माइक्रोस्कोप के पीसीबी रखते हो बढ़िया लेवल के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हमको थियोरी प्रैक्टिकल देखा देखा और आईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब मैच कर हमको बताया, बहुत मैच करके बताया। जो सर ने बोर्ड पे बताया वो पीसीबी पे मिला कि नहीं मिला? मिला है। सीपीयू वाइज यहाँ पढ़ाता है तो सबको मालूम पड़ेगा। सीपीयू वाइज जो सीपीयू वाइज पढ़ेगा सबको मालूम हो जाएगा पूरे सेट के अंदर क्या घुसा है। अच्छा, जो सर ने आपको आईसी की ब्रेडलाइन पढ़ना बताया आपको, है ना, जो उसकी डाटा शीट बनाना बताई, तो आपने डाटा शीट बनाई कि नहीं बनाई? बनाया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। क्या जी? योगेंद्र। कहाँ से हैं आप? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर से, महाराष्ट्र। यस सर। तो ये रेडमी का 5 है और आप इसमें क्या करने वाले हैं? सब पावर आईसी निकाल के लगाने वापस। इसका चालू फोन से आप पावर आईसी निकाल के लगाने वाले हैं? यस सर। मतलब 3 दिन के अंदर ही आपका इतना कॉन्फिडेंस अप हो गया है कि आप चालू फोन से पावर आईसी निकालने वाले हैं? हाँ सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले कौन से फोन का पावर आईसी निकाला है? जियो फोन का। 4G फोन है या 2G फोन है? 4G फोन। तो उसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? पावर आईसी सर सेम ही रहेगा इसका सर अभी। तो चलिए ठीक है, और निकाल के दिखाते हैं और जो भी है लाइव है। फोन चालू एक बार और दिखा दीजिए।
कैसा लगा? बढ़िया लगा सर। कुछ डिफरेंट लगा क्या आपको? अरे डिफरेंट वैसे मजा आया काम में। मजा आया तो क्या बोलना चाहेंगे आप? कॉन्फिडेंस बढ़ा सर। 3 दिन के अंदर आप लाइफ 4G फोन का पावर ऐसे निकाल के लगाया और आपने इसका भी निकाल के लगाया, कैसा लग रहा है आपको? एकदम जबरदस्त भैया माहौल। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ? अरे बहुत अप हुआ सर। 3 दिन के अंदर कहीं पॉसिबल है जो 4G फोन का पावर ऐसे निकाल के फ़ोन भी चालू करवा लें? नहीं नहीं सर, कहीं नहीं। कहीं नहीं। कहाँ पॉसिबल है? अपने एशिया में, एशिया टेलीकॉम में। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? अरे बहुत जबरदस्त। अच्छा एक बात बताइए, इस पावर आईसी के बगल में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हाँ। बात करें कैपेसिटर की, बात करें रजिस्टर की, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में लगा है, कौन सा सीरीज में लगा हुआ है, इसका सारा यूज पता है आपको? हाँ कल सर ने सब बताया था तो हमको पूरा दिमाग में घुस गया है। चेकिंग करने के लिए अगर बोले तो आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे सर। ओवरऑल कैसा रहा क्लास? बढ़िया रहा सर। बढ़िया, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है तो नोट कट पर यहाँ था, आप इसको दोहराओ और जूम कर लो। आप देखो नोट्स का पॉइंट यहाँ था। यस सर। अब हम यहाँ पे गिनेंगे खाली, तो हमें कौन सा नंबर का पैड गिनना है पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, कौन सा नंबर का पैड गिनना है। नहीं देखा? नहीं। हाँ ये देखिए, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ये देखो कौन सा नंबर का पैड गिनना है, 92 और 93। इस ये दो पैड पर हमारा ऊपर स्पीकर पे जा रहा है ट्रैक, सो 92 तक जाना है तुमको। कितना चालू करो? फिर इसके बाद क्या क्लास थी आपकी? उसके बाद देव सर की के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की। नजरिया बदला आपका? बदल गया पूरा सर। चलिए कैसा लग रहा है आपको सब? बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ जी। और आज हमारी आईसी माउंट रिमाउंट की क्लास थी सुबह, और हमने वो आईसी पहली बार लगाई है, ओके लगाई है। आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी हमारी। अच्छा, तो आपको अभी पीसीबी देखने का जो नज़रिया था आपका, वो पुराना वाला है कि चेंज है? सर बहुत कुछ चेंज है आज, बहुत कुछ चेंज है सर। आज मालूम पड़ रहा है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है, कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है। लखन बुंदेला इंदौर से हूँ जी। हाँ सुबह 4G आईसी पावर आईसी लगा बना के लगाई जियो फोन में जी। और चालू फोन को चालू किया था, आईसी निकाल के बना के लगाई थी और चालू फोन को डेट किया आपने? हाँ आपने 4G हैंडसेट से किया ना काम? ये 4G हैंडसेट से किया ना? 4G आपने चालू हैंडसेट को डेट किया? डेट किया। चालू हैंडसेट आपका ही था? यस सर, हमारा ही था। आपका ही था? हाँ। आपने चालू हैंडसेट को डेट करा? यस सर। डेट करने के बाद आईसी को रिवोल्व किया? रिवोल्व किया। आईसी को रिवोल्व करके लगाया और फिर चालू किया, फिर सक्सेस तरीके से हो गया आपके? यस सर। तुक्के में लगा क्या? नहीं सर, तुक्के से नहीं, प्रॉपर तरीके से लगा। तरीके से लगा। तो इसमें किसी टीचर ने हेल्प करी थी आपकी क्या? सर बताया था सर, मतलब बताया जरूर था अपन, बाकी आईसी किसने लगाई, टीचर ने लगाई कि आपने लगाई? हमने खुद ने लगाई। हाँ सेल्फ लगाई? बिल्कुल। तुक्के से लगी है क्या? नहीं सर, तुक्के से नहीं लगी। चलिए क्लास 4G लाइव पावर आईसी निकाल के माउंट और रिमाउंट की क्लास थी सर जी। फिर 11 बजे सर देव सर के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, वो भी हमने देखा सर। हर आईसी में आपने उसकी पूरी टेबल समझी उसकी जी? तो सर ने बताइए आपको, एक एक चीज बताइए। यस सर, मेरा नाम रजत सुखदत्त है, से मगर से आया जी। सर सुबह आके 4G लाइव सेट तो आज माउंट रिमाउंट पे तो सक्सेस हुआ आपसे? सक्सेस। कुछ तुक्के में लगा कि प्रॉपर तरीके से लगा? तीन बार किया। नाम MD गुलाम सबर, मैं बंगाल से हूँ जी। मॉर्निंग के क्लास में हमने लाइव बोर्ड से पावर आईसी को निकाल के फिर से बढ़ाया और पूरा ओके किया। फर्स्ट टाइम में किया, पहली बार किया और लगभग 3-4 बार किया। तो आप उस क्लास से संतुष्ट हैं आपके? यस सर, पूरा संतुष्ट है। इसके पहले ये काम कर पाते थे आप सक्सेसफुली तरीके से? पहले के बाद में हाथ भी नहीं दिया, कभी हाथ भी टच भी नहीं किया उसके अंदर। के शर्माई, मैं शिलोंग से हूँ जी। जी बताइए। आज मैंने आईसी रिपोर्टिंग की थी जियो फोन की जी।
फिर उसके बाद थ्योरी क्लास हुआ। रिपोलिंग की थी कि आईसी निकाल के लगाई थी ऑन फोन पर जी, ऑन फोन पर जी सर। लाइव 4G फोन से आपने पावर आईसी निकाला जी सर, और पावर आईसी को निकाल के रिपोल करके वापस लगाया तो आपका हैंडसेट चालू हुआ था? चालू हुआ। मैं आपका जो जनता देख रही है आपकी, आप गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, ये गलत तो नहीं बोल रहे भाई? लाइव दिखा दूंगा। लाइव दिखा दोगे? तुम्हारा वीडियो भी है लाइव? जी सर। आपने मनाया भी है आप उसके अंदर जी सर, यहाँ पे है ना, और रिव्यू भी दिया है उसके अंदर जी सर। तो कैसा लग रहा है मेरे भाई? अच्छा लग रहा है। आप पहले बहुत दूर से आए यहाँ पर, तो बहुत दूर से आने के बाद आज तीसरे दिन की क्लास में आपकी आशाएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही? हो रही सर। हो रही है सर। तरीका कैसा लगा ऐसे अटली काम को आपको? बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। और शाम की क्लास में आपने सारा प्रैक्टिकल किया है? जी सर। आपने डायग्राम बनाया है? जी सर। मेरा नाम मोंटी सचदेव है, मैं दिल्ली से हूँ। आज मैंने जियो के फ़ोन की पावर ऐसी खुद निकाली, खुद लगाई, ऑन सेट की पूरे प्रॉपर तरीके से, वन टाइम में स्टार्ट हो गया फोन। अच्छा, उसके बाद मोंटी क्या किया सर? 11 बजे की सर देव सर के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, प्रॉपर तरीके से समझ आई, और जिंदगी में पहली बार ऐसे सर ने समझाया। प्रॉपर तरीके से जैसे सर ने बोला था वैसे। अभी वो चीज़ का डाउट क्लियर हुआ कि? क्लियर हो गया सर पूरा, मतलब अभी आईसी वगैरह आईडेंटिफिकेशन वगैरह कोर क्लास हो गया। अगर आप माइक्रोस्कोप पे एक पीसी भी रखते हो तो रिकॉल करके वापस लगाए, और मैंने 2 बार किया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, आपने एक दो हैंडसेट से आपने आईसी निकाली और उसको लगाई, एक एमआई के हैंडसेट से भी निकाली? एमआई का चालू मोबाइल का निकाल के उसको वापस लगाया। चलिए, तो कैसा लग रहा है ये सब करके आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हमको थियोरी प्रैक्टिकल देखा देखा, और आईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब मैच कर हमको बताया, बहुत मैच करके बताया। जो सर ने बोर्ड पे बताया वो पीसीबी पे मिला कि नहीं मिला है? सीपीयू वाइज यहाँ पढ़ाता है तो सबको मालूम पड़ेगा। सीपीयू वाइज जो सीपीयू वाइज पड़ेगा सबको मालूम हो जाएगा पूरे सेट के अंदर क्या घुसा है। अच्छा, जो सर ने आपको आईसी की पेडलाइन बनना बताया आपको, है ना, जो उसकी डाटा शीट बनाना बताई, तो आपने डाटा शीट बनाई कि नहीं बनाई? बनाया। 4G हैंडसेट से 4G आईसी पावर आईसी माउंट रिमाउंट करके ऑन टाइम में वो लोन हो गया। वन टाइम में कर दिया था? ऑन टाइम में। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, उसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज आईसी को आइडेंटिफिकेशन करने की, ऑल आईसी को आइडेंटिफिकेशन करती सर जी, और हर आईसी तो सब आईसी को डिटेल्स मिलेगा। डिटेल्स सारी आपके हाथ में है? हाथ में। आपने आईसी को पढ़ना सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। आपने उसकी डाटा शीट बनाई है? उसकी बनाई है। तो आपने सेल बनाई, टीचर ने मदद किया, आपने आईसी उठा के बनाई, आपके पास जो बोर्ड था उसके आईसी को उठाया आपने, कनेक्टिविटी चेक करी, सारे कंपोनेंट चेक करे, उसके बाद आईसी को लगाया, डाटा शीट बनाया कि नहीं बनाया? यस सर, बनाया आपने। बनाया। मैं खाली बात तुम्हारी कर रहा हूँ कि पूरे स्टूडेंट की बात, पूरे स्टूडेंट के लिए। कोई भी ऐसा बच्चा है ऐसा जिसने बिना आईसी उठाया और डायग्राम बनाया? नहीं सर, सबने उठाया आईसी? सबने उठाया भाई आईसी। खुद से निकलवाया और खुद से हमने वापस लगवाया, वो भी एक बार ही। फिर हमारा 11 बजे के पास देव सर का क्लास था जिसमें हमने आईसी आइडेंटिफिकेशन का क्लास था, और उसमें सर ने जितना आईसी और जितना सीपीयू जितना पावर आईसी जो भी है उन सब के बारे में सर ने बताया, और फिर हम वापस प्रैक्टिकल क्लास में आके उसके बारे में हमने खुद ने ट्रेसिंग भी की। समझ में नहीं आती थी, अभी समझ में आएगी कि नहीं? सर पहले तो हमारे लिए सारा आईसी एक जैसा ही था। अच्छा, अब सर देख के बता सकते हैं कि ये आईसी कौन सा है, किस ट्रैक में लगा हुआ है और किस काम के लिए लगा हुआ है, सब कुछ बता सकते हैं सर। और वो भी एक नज़र कंपोनेंट को, किन आईसीयू को आप जंपर कर सकते हैं वो भी बताया। हेलो, किन आईसीयू को आप जंपर कर सकते हैं? Yes. कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। बहुत सारी ऐसी जंपर है सर, तो उसका नॉलेज मिला कि नहीं मिला? मिला सर। एक दिन की क्लास में इतना सब कुछ अपना पूरा निचोड़ के दे दिया आपको, निब्बू जैसा निचोड़ के दे दिया? सर कुछ रहा ही नहीं आईसी के बारे में, तो ऐसा लगता है कि एक तरह के आपने कहा जैसे कि हलवा बन गया है। तो आईसी की जो आपका सीपीयू की जो कोड होता है, यस सर, तो कोड में भी बहुत सारी चीजें छिपी होती है, तो वो समझ में आएगी नहीं? पूरा सर कोड तो अब खुद बना के बता सकते हैं कि ये कोड है और ये किसका लाइन है और ये किसका ट्रैक है और ये कौन सी टाइप का। सर मेरा नाम फैजान अली है, मैं महाराष्ट्र से। जी फैजान, सुबह में 8 बजे हमारी क्लास थी आईसी रिवॉल्विंग जी, पावर आईसी निकाली, रिवॉल्व करी, वापस बिठा दी, चालू हो गया हैंडसेट। अच्छा, उसके बाद 11 बजे से आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी जो 6 बजे तक चली आराम से, बहुत अच्छा सीखा सर। अच्छा, उसके बाद अपने पूरा चार्ट बना, बोर्ड देख के पहचान जाओगे? पहचान लेंगे सर। अगर ज़ाइनोक सीपीयू हो तो कौन सी बाकी आईसी लगी आप बता दो? पहचान लेंगे सर। सर मेरा नाम शहजाद है, सर मैं मेरठ से हूँ। सर आज सुबह हमने चालू फ़ोन से पावर आईसी निकाली और फिर उसको दोबारा निकाला, चालू फ़ोन से 4G चालू फ़ोन से निकाली और दोबारा लगाई और फ़ोन वापस
चालू का चालू रहा। उसके बाद सर हमारी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी देव सर के साथ, जो 11 बजे से लेके 5:30 बजे समथिंग तक चली है। और सर उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो सब कुछ हमें ऐसे ही मिला फ़ोन के अंदर, सारी आईसी को पहचाना जैसे जैसे होता है कि किसमें क्या होता है, क्या कौन सी आईसी लगी हुई होती है, सबको बताया सर। और उसके बाद सर हमने डाटा सीट बनाई आईसी की, एक चालू फ़ोन से आईसी निकाली और उसकी डाटा सीट बनाई और उसको फिर वहीं पे लगाया। और सर मैंने नोट 4 की निकाली थी और वो फ़ोन वापस चालू था, फिर वापस चालू था। सर मैं आसोटी में आता हूँ, आसाम से हूँ जी। हमारे आज सवेरे 8 बजे क्लास थी आईसी माउंट रिमाउंट की जी। पहली बार में भी आईसी लगा दिया, एसएमडी तो पकड़ना भी नहीं आता था मेरे को, तो बहुत एक्सपीरियंस मिला यहाँ। 11 बजे हमारे देव सर की क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, और सर ने अच्छी तरह से हमको सिखाया कि कौन सा आईसी क्या होता है। कोई भी आईसी नहीं छोड़ी, जितनी भी आईसी अभी तक चल रहा है सब आईसी के बारे में जानकारी दी सर ने। सर मेरा नाम अरफात है, मुंबई कल्याण से जी। आज सवेरे सर ऑन जियो फोन था जिसमें TMIC निकाल के हम लोगों ने वापस इन्वॉल्व कर बार लगी बेटा। दो बार लगाया सर, दो बार लगा। हाँ दोनों बार चालू हुआ सर, दोनों बार चालू हुआ। कैसा लग रहा है सब काम करके? अच्छा लगा सर। और उसके बाद? उसके बाद सर देव सर का क्लास था आईसी आइडेंटिफिकेशन, और पूरा आईसी के बारे में पूरी डीप नॉलेज मिला। और जो भी सीपीयू लगा हुआ है 70% हम लोग सीपीयू देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी PMIC लगेगी और कौन सी PMI लगेगी, सब कुछ नॉलेज सर ने बताया। अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई टेक्नीशियन है सपोज वो आईसी निकालना और लगाना जानता है, सिर्फ ये जानता है कि आईसी निकालने लगा ले, तो वो एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है? नहीं सर, उसको इतना पता ही नहीं रहेगा कि कौन से सीपीयू में कौन सी PMIC लगती है। एक बार निकाल के अगर गिर जाएगी तो उसको नाम नहीं पता रहेगा। अच्छा किसी ने निकाल के भेज दी तो फिर वो नहीं समझेगा सर उसको। तो लाइनों का नॉलेज कितना जरूरी है? लाइनों का नॉलेज बहुत जरूरी है। रेड लाइन का नॉलेज कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। स्कीमेटिक आना, समझ में आना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। निकाला लगाया तो दोबारा ऑन किया, दोबारा ऑन किया। हाँ सर। कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा। अच्छा उसके बाद दोपहर में क्या क्लास था? देव सर के साथ आइडेंटिफिकेशन का आईसीआईडेंटिफिकेशन का क्लास था। हाँ बहुत अच्छा, पहली बार था। अच्छा तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आप समझे, आपके हाथ में अगर बोर्ड देते हैं तो बोर्ड देख के समझ में आता है कि कौन सी ऐसी क्या काम कर रही है। हाँ सर, मेरा नाम सदरे, मैं उत्तराखंड में हरिद्वार से आया हूँ जी। आज सुबह मॉर्निंग में हमारी पावर आईसी की क्लास ही जो कि ऑन सेट में से हमने निकाली और दोबारा लगाई और मिशन से सक्सेसफुल रहा हमारा। अच्छा उसके बाद हमारी क्लास देव सर के साथ में थी जो कि आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी। अच्छा। उसमें उन्होंने जितनी भी आईसियाँ होती हैं मोबाइल में सब की जानकारी दी विद प्रैक्टिकल के, पावर आईसी हो, ऑडियो आईसी हो, आपकी वाईफाई आईसी हो, सब की जानकारी दी। उसके बाद हमारी जो उन्होंने जानकारी दी उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल किया यहाँ लैब में। और एक ऐसी पैड भी बनाई जो उस पर GR पूरी चेक की हमने। आपने लगी हुई है पावर आईसी को निकाला, उसका पैड लाइन से आपने जी सर आप पैड लाइन बनाया आपने उसका, और जो संबंधित सेक्शन था जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे एंड होता है वहाँ से पूरा आपने पूरा एंड लेस उसकी कनेक्टिविटी चेक की। तो इनाम साबिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की क्लास कितनी इम्पोर्टेंट थी? बहुत इम्पोर्टेंट थी सर। क्या महत्व था आज की क्लास का? बहुत महत्व था। तो आपको जानकारी कैसी लगी सर का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था? बहुत डीप लेवल का था, ना कि ना कोई यूट्यूब वाला था ना कोई गूगल वाला था, उनका सिर्फ अपना प्रैक्टिकल किया हुआ क्लास थी आज। मेरा नाम शुभम भवरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सवेरे हमारी 8 बजे क्लास थी, सवेरे हमने जियो फोन का पावर आईसी रिबॉलिंग की। फर्स्ट टाइम में तो मेरा मोबाइल चालू मोबाइल मेरे हाथ से बंद गिर गया। तो बाद में MD सर ने फिर से मुझे समझाया बिठाकर, तो बाद में सेकंड टाइम में मेरा मोबाइल डन हो गया इससे। तो जो सेकंड टाइम में डन हुआ, आपने एक बार परिश्रम किया आपसे नहीं लगी, तो आपने अपनी गलतियों से सीखा कि नहीं सीखा? सीखा सर। सीखा ना, वहाँ पे एक लेसन मिला ना आपको? हाँ सर। वो लेसन मिला, लेसन से अभी वो गलती दूसरी बार होगी क्या? नहीं होगी सर। तो कितना जरूरी है कि एक आपको आपके साथ ट्रेनर होने की? हाँ जरूरी, बहुत जरूरी है। ट्रेनर का क्या क्या भूमिका है आपके आपके हिसाब से? जो ट्रेनर भी हमारे जो ट्रेनर है MD सर बहुत बढ़िया है। नहीं भूमिका क्या रहती है, एक ट्रेनर होना हमारे जीवन में जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर। चलिए ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारी मेन इम्पोर्टेंट क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन। तो अभी PCB देख के क्या बोलोगे तुम? अभी कौन सा ये कवर रहा है, आईसी जो रही, पावर आईसी, CPU आईसी, सब सर ने एक नंबर बढ़िया बता दिए। 4G आईसी निकाल के सर रिवॉल्व करके फिर से लगाया और फर्स्ट टाइम हैंडसेट ऑन किया। कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आ गया। और उसके बाद तुम्हारी दूसरे में इम्पोर्टेंट क्लास थी जी सर, आईसी की क्लास थी सर देव सर के साथ। हाँ
सर मैं आज तक जानता नहीं था कि ये कौन सा आईसी है कौन सा नहीं। आप इस फील्ड में प्रेशर हो जी सर बिल्कुल कभी एसएमडी भी टेस्ट नहीं किया आपने? नहीं सर कोई लेना देना नहीं है सीपीयू कोई सा लेना देना है क्या कोई लेना देना नहीं सर। चलिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है कि आप इन आईसीयू को जंपर कर सकते हैं। यस सर ये इतना नॉलेज कौन दे सकता है भाई प्रेशर टेलीकॉम और इसके अलावा एक्सपीरियंस वाला टीचर दे सकता है जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है। यस सर हमारे जो हमारे यहाँ के हार्डवेयर के मेन टीचर है वो देवरतन अग्रवाल है वो यहाँ के एक मालिक भी है और एक टीचर भी है। yes, पहले टीचर है बाद में मालिक है राइट। यस सर जितनी भी आईसी होती सभी पहचान में आ गई सर। नहीं मैंने आपका पेंशन भी देखा है आप बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना रहे हैं हर चीज़ को समझ रहे हैं नहीं समझ में आता तो आप पूछते हैं है ना तो आप अपनी स्टडी को बहुत सीरियस ले रहे हैं। यस सर सीरियस ले रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ने ही आए है ना पढ़ने ही आए इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है सर। तो हमारा जितना भी टाइम है जैसे अभी 10:30 बज रहे हैं रात के अभी देखो रिव्यू लेते हो 10:30 बज रहा है रात के तो 10:30 बजे तक भी हम यहाँ पे काम ही कर रहे हैं। यस सर फिर भी टाइम कम हो रहा है सर फिर भी टाइम कम है सीखने के लिए फिर भी टाइम कम यस सर। तो दुनिया का ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 15 घंटे या 14.5 घंटे पढ़ा सकता सर कोई और जानकारी भी कोई नहीं दे सकता इतने ट्रिक्स इतनी जानकारी कोई नहीं शेयर कर सकता जियो की वाइसी निकाली लाइव निकाली फ़ोन में पहले डेट किया उसके बाद मैं ऑन किया और सक्सेस हुआ उसके बाद देव सर की क्लास थी आईसी आइडेंटिफाई की पूरी मतलब जितने बोर्ड किए पूरे आईसी उन्होंने आइडेंटिफाई की कोई भी आईसी हो तो सीपीयू से हम पहचान सकते हैं। तो कैसा लग रहा है किस लेवल का नॉलेज मिल रहा है कोई दुकान वाला नॉलेज मिल रहा है या यूट्यूब वाला मिल रहा है या कोई किताब वाला नॉलेज मिल रहा है ऑन प्रैक्टिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एक्सपीरियंस वाला मतलब जो आपकी पीसीबी पे जो चीज है वही उसके नॉलेज मिल रहा है कि बाहर का नॉलेज मिल रहा है जो पीसीबी है फ्यूचर फोन या फिर वो जो फोन जो बंद हो गए वाले फोन के बारे में नॉलेज दे रहे हैं उसके बारे में जब तक वो नहीं लेंगे तो दूसरा कैसे मालूम पड़ेगा। मोबाइल की जो 4G मोबाइल की पावर आईसी है माउंट रिमाउंट की क्लास की हमने बहुत अच्छे से किए हैं हम मोबाइल को तो बहुत दिन से खोल रहे देख रहे हैं लेकिन कभी चालू मोबाइल की पावर आईसी को या पावर आईसी डाल के चालू करना पहली बार हम किए हैं वो भी एशिया टेलीकॉम में और एमडी सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है नहीं समझ में आया तो उसका हमें तरीका बताया है उसकी ट्रिक्स बताए हैं उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम चले हैं तो क्या है जो काम है उसको हम कंप्लीट कर पाए हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि आज दोपहर की जो क्लास थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी? बहुत इम्पोर्टेंट था सर तो अभी आपका जो पीसीबी का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा समझ में आया कि बिल्कुल अपन ब्रांड वाइज बात करें क्वालकॉम की बात करें अपन मीडियाटेक की बात करें अपन स्पेक्ट्रम की बात करें अपन सैमसंग का ज़ोयनेक्स की बात करें तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर एक सीपीयू ज़ोयनेक्स सीपीयू हो तो बाकी आईसी कौन सी है अगर क्वालकॉम सीपीयू हो तो बाकी आईसी कौन सी है जी है ना और क्वालकॉम में भी 3 वेरायटी बताई ना सर जी सर जी और आईसीयू को पढ़ना रीड करना पावर आईसीयू हो सीपीयू हो ग्राफिक्स आईसीयू हो लाइट आईसीयू हो रिंगर आईसीयू हो है ना यहाँ आपके एनालॉग आईसीयू पीएफ हो उसको भी पढ़ने का तरीका बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल सर जो तरीका है पूरा कितना जरूरी था ये सब बहुत जरूरी हर टेक्नीशियन के लिए जरूरी है सर जो हम नहीं जानते थे सर हमको बोलते भी थे कि हम आपको पीसीबी को देखने का नजरिया बदल देंगे तो वाकई में बदला जो हम पहले पीसीबी को देखते थे तो हमें कोई जानकारी नहीं थी कौन सी है खाली सीपीयू को भर जानते थे थोड़ा बहुत लेकिन अभी हम 70% जो आईसीयां है कौन सी आईसी का क्या काम है और कौन सी आईसी कहाँ पे लगी और किस नाम की है कौन से अपना सीपीयू मॉडल के हिसाब से लगेगी पूरी जानकारी आज हमें मिली है और आईसी का डाटाबेस के हिसाब से नर्मरिक है आपका अल्फाबेटिक है उस हिसाब से डाटा सीट हमको पढ़ना आ गया आईसी की कोडिंग समझ में आ गई आपका बोर्नियो में किस हिसाब से हमको देखना है कहाँ पे लेआउट से देखना है आईसी को उस प्रकार की पूरी हमें जानकारी मिली है जो आज से पहले नहीं थी सर। फोल्डर ये चेंज करना ये काफ़ी कोई सा भी अगर पावर आईसी तुम्हारे हाथ में आता है तो आप कर सकते हैं? यस सर। और कल क्या कर दोगे? सीपीयू रिमोट कल कर दोगे? यस सर। पूरा पक्का विश्वास है? यस सर। आपके ऊपर भी और एशिया टेलीकॉम के ऊपर 100% सर कल हो जाएगा? यस सर। और आपकी सबसे बड़ी वही इंपॉर्टेंट क्लास थी देव सर के साथ? यस सर। देव सर के साथ भी आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास वो खाली आइडेंटिफिकेशन था क्या? क्या दिया? डीप नॉलेज दिया जो आईसी लेवल कौन सी सीपीयू कौन सी आईसी है इसका पूरा नॉलेज दिया है। कितना जरूरी था ये नॉलेज नहीं रहता तो कुछ भी नहीं कर सकते।
ये नॉलेज का कोई सेक्शन होता है क्या, जो तुमने बहुत सारी इंस्टीट्यूट का कंटेंट देखा होगा, ये कंटेंट था कि किसी ने कभी सोचा था इस बारे में क्या? वो खुद अपने आप को एक बच्चे की तरह सोचते हैं कि अगर मैं बच्चा होता किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता तो मेरे को किन चीजों की आवश्यकता होती, वो चीजें दे रहे हैं आपको, पूरा एक्सपीरियंस हमें दे दिया है, पूरा एक्सपीरियंस दिया ना, तो उसका फायदा कितना है आपको बताइए मेरे को, पूरा फायदा ही है उसमें। तो अभी हमें प्रैक्टिकल क्लास में आपने उसी का प्रैक्टिकल करा सर, आपने जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, डर नहीं लगा सर, मेरा नाम अभिजीत है, मैं महाराष्ट्र से, आज सुबह हमने 8 बजे पावर आईसी काम किया, जियो का निकालना बिठाना वो सब किया, फिर 11 बजे से हमारी आईडेंटिफिकेशन की क्लास हुई, और 5:30 बजे खत्म हुई, बोर्ड देखते ही हमको पहचान में आता कि नहीं, यस सर, कौन सा सेक्शन में क्या काम करना है, कौन सी आईसी पहचान में आता कि नहीं, यस सर। चलिए, और अभी शाम के क्लास में क्या किया आपने? शाम के क्लास में सर आपने हमने तो आईसी की कोडिंग आपने बनाई थी, पावर आईसी को उठा के निकाल के और वापस उसको लगाया कि लगाया, उसकी सारी पेडलाइन बनाई कि नहीं बनाई सर? थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?